नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को अपने YouTube चैनल अमिता मलिक ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। और आज सैटरडे का दिन है, छुट्टी है, तो आज की शुरुआत करते हैं एक डिटॉक्स डाइट से। वन डे डिटॉक्स डाइट हम करेंगे। जैसे भाई रोज़ डेली हमारी लाइफ में बहुत भाग दौड़ ट्रैवलिंग होती है, यहाँ जाना वहाँ जाना, तो हम प्रॉपर हमारी बॉडी हमें बता देती है कि हमें कितनी किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अपनी बॉडी की नीड को समझते हुए, जैसे मेरे को खुद, मैं अभी नहीं कर पा रही थी, उस दिन मैंने डिटॉक्स किया था, उसके बाद मेरा नहीं हो पा रहा था, तो मुझे लगा आज वन डे डिटॉक्स आप लोगों के साथ करते हैं। तो मैं आज वीडियो जल्दी से अपलोड कर दूँगी, आप लोग कल कर सकते हैं इसको। तो शुरुआत हम, ये नहीं है कि ये कहीं बिल्कुल सर्टिफाइड डिटॉक्स है, नहीं। जैसा जैसे हमारी बॉडी हमें बताती है, जैसे वाटर इनटेक, हमारी बॉडी में 60-70% वाटर होता है, तो हम वाटर इनटेक भी ज़्यादा करेंगे तो कुछ वेट हमारा बिल्कुल बहुत फ्लक्चुएट होता है, वो बहुत जल्दी चला जाता है। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, बॉडी लाइट फील करती है उसके बाद। तो आज की शुरुआत करते हैं अब हम पानी, तांबे के बर्तन के पानी के साथ। तो आज मुझे देखना, अभी पूरा दिन की डाइट में आप लोगों को आज दिखाऊंगी, मेरे साथ बने रहें। आज का ब्लॉग बहुत अच्छे होने वाला है। और अभी शुरुआत करते हैं, अभी मैं 2 ग्लास पानी पीऊंगी आज कम से कम। मुझे देखती हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कितना पानी कंज्यूम किया और डिटॉक्स भी साथ में, और क्या क्या खाऊंगी। तो पूरा दिन देखना, लास्ट तक ब्लॉग को देखना, और मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो चलो शुरुआत करते हैं पानी से अपना। तो मैंने अपना पूरा 2 ग्लास पानी पी लिया है, मेरा टमी बिल्कुल फुल हो गया अभी, तो ठीक है। और बच्चों को उठाती हूँ फटाफट से, और अपने आगे पूरे दिन की डिटॉक्स की शुरुआत करते हैं। अब मैंने सुबह पानी पीने के बाद, अभी मैंने कुछ नहीं खाया, और अब टाइम हो गए हैं 9:00 हो गए हैं पूरे, और अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना। देखो अभी मुझे जाना है, तो मैं आज डिटॉक्स के लिए मैंने एक ही घिया रखी है, और ये बबू गोशा है, आम है, और अभी अमरूद भी है। तो देखते हैं अभी। देखो मैं शुरुआत कैसे करती हूँ, वैसे बिना चाय के, बिना दूध के आज मैं दूध भी इंटेक नहीं करने वाली हूँ, उसके लिए होगा तो मुश्किल, लेकिन कोशिश करेंगे। और आज पूरा दिन मेरा कैसा निकलता है आप लोग मेरे साथ बने रहें, पूरा दिन मैं क्या क्या लेने वाली हूँ। और फटाफट से अब एक आम लेते हैं और आम की स्मूदी बनाते हैं। उसमें मैंगो शेक में हम दूध डालते हैं, स्मूदी में देखना भी मैं कैसे बनाती हूँ। तो गाइज, आज मैं आर्टिफिशियल शुगर भी इंटेक नहीं करूँगी, सिर्फ यही नेचुरल शुगर ही इंटेक करूँगी। शुगर बहुत मेजर रोल प्ले करती है, और मैं आर्टिफिशियल मतलब सॉल्ट तो हम सब ऊपर से ही डाल के खाते हैं, तो मैं सॉल्ट भी नहीं लूँगी। मुझे सॉल्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मैं सॉल्ट नहीं खाऊंगी, लेकिन हाँ शुगर से हो सकता है मुझे थोड़ी सी एनर्जी लो फील हो। लेकिन अभी मैंगो है तो ये बहुत अच्छा टाइम मुझे लगता है, मैं हर साल करती हूँ कि जब मैंगो होता है। और फटाफट से देखो मैंने मैंगो कट कर लिया है इसमें, और अब इसकी स्मूदी बना लेते हैं फटाफट से। तो इससे मुझे शुगर की वो कहते हैं क्रेविंग नहीं होगी, तो आप भी ये कर सकते हैं। और मैंगो जो शुगर होता है वो हार्मफुल नहीं होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मैंगो फाइबर में भी रिच होता है, काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं। तो जो सीजनल फूड्स हैं, मैंगो वगैरह, अभी जो से मैंगो चला तो जरूर से जरूर खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब इसमें देखो मैंने थोड़ा सा डाल लिया चिया सीड्स, मेरी वीडियो नहीं चल पाएगी भाई। और ये मैंने डाल लिए हैं सीड्स अपने इसके ऊपर, और अभी इसमें 2 अखरोट और ये बादाम इसके ऊपर डालूंगी। और ये देखो अब इसमें ये मैं किशमिश डाल लेती हूँ, ब्लैक किशमिश भी है मेरे पास, और ये वाली रेगुलर किशमिश भी है इसके ऊपर थोड़ा सा। मुझे फिर दिन में शुगर की क्रेविंग नहीं होगी, अदरवाइज मुझे शुगर की क्रेविंग होती है। और ये बादाम और अखरोट काट के डाल लेती हूँ फटाफट से, और मेरा अब ये बिल्कुल तैयार है। इससे पेट भी भर जाता है और हेल्दी भी रहता है। अब ये मुझे स्टमक में ऐसे भूख नहीं लगेगी, मुझे तो क्रेविंग नहीं होगी मुझे जंक फूड की। और मुझे बाहर जाना है तो मैं अपने साथ बब्बू गोश और अमरूद लेके जाऊंगी, तो मुझे भूख लगी तो मैं जरूर खा लूंगी। अदरवाइज अगर मैंने नहीं खाया तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ जंक खाने की मुझे क्रेविंग हो जाएगी, और फिर सारी डिटॉक्स फिनिश हो जाती है। इसलिए प्लीज़ भूख लगे तब खाएं जरूर कुछ ना कुछ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैं बब्बू गोशा लेके गई थी, वो मैंने खा लिया था, काफ़ी टाइम लग गया। और अभी मैं पूरा 1 लीटर अभी ये डिटॉक्स है मेरा, इसको ख़त्म कर दूँगी। और इसमें भाई मैंने अपने डिटॉक्स रात को भर के रख दिया था, पुदीना वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है उसी का डिटॉक्स। आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो। और अब मैं इसको ख़त्म करती हूँ। गाइस, इट्स टाइम फॉर फ्रूट ब्रेक। अब मैंने फ्रूट ब्रेक हो या आज फ्रूट ही खाने हैं। और डिटॉक्स के बाद अभी बज गए हैं 3:30-4 बजने वाले हैं, तो अब मैं ये फ्रूट्स ले रही हूँ।
क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी भूख फील होने लग गई थी, तो मैं फटाफट से इनको कंज्यूम करती हूँ। तो गाइज अब शाम हो चुकी है और अभी मैं पी रही हूँ पानी, उसके बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लूँगी। मैं लूँगी एक ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि भाई देखो थोड़ा सा हेडेक मुझे होना शुरू हो गया, वैसे पूरा दिन अच्छा निकला आज। और ये वन डे डिटॉक्स था, आप लोग भी करके देखना अभी, और शाम तक मैं भी और दिखाऊंगी आप लोगों को क्या क्या लूँगी। तो अभी एक फटाफट से एक ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं और फिर मिलते हैं। अभी ब्लैक कॉफ़ी से पहले सोचा कि मुझे ब्लैक कॉफ़ी से पेट नहीं भरेगा, उससे पहले मैं एक अमरूद खा लेती हूँ। अमरूद वेट लॉस में काफ़ी अच्छा रहता है, तो आज मैंने कार्ब्स वो नहीं लिया है, जैसे कोई भी रोटी वगैरह मैंने कुछ नहीं खाई है, इसी पे हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। बस आज बहुत थकान हो गई थी, वहाँ गए हुए थे, तो फटाफट से गवावा खाते हैं। वेट लॉस में वो भी अच्छा होता है, टमाटर भी अच्छा होता है, पाइनएप्पल भी अच्छा होता है, और गवावा भी अच्छा होता है। चलो उसके बाद थोड़ी बाद आधे घंटे बाद फिर मैं बनाती हूँ ब्लैक कॉफ़ी अपने लिए। गाइस आज के डिटॉक्स में अभी मैंने ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी, क्योंकि मेरा मन कर गया कि मुझे क्रेविंग होने लगी थोड़ा सा मीठा कुछ खाने की, तो मुझे लगा चलो क्यों ना हम कुछ मैंगो खा लेते हैं। मैंगो फिर जैसे ही रात हो जाएगी तो थोड़ी सी कैलरीज होती है, तो मैं जो काम करना है तो कैलरीज बर्न हो जाएंगी, और फिर उसके बाद लेंगे ब्लैक कॉफ़ी। तो तब तक मैं खा लेती हूँ एक फटाफट से एक प्यारा प्यारा मैंगो। मुझे मैंगो बहुत पसंद है, तो मुझे इस मौसम में डिटॉक्स करने में कोई इशूज़ नहीं होते। स्मूदी बना के ले लो आप, और अगर कई लोग जैसे अभी बनाना नहीं था मेरे पास, मैं इन दिनों में बनाना नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि वो अंदर बाहर से इतने सुंदर दिखेंगे लेकिन अंदर से इतने गंदे निकल जाते, तो इसलिए मैं लेती नहीं हूँ। तो फटाफट से एक मैंगो खाते हैं। गाइस अब रात हो गई और आज का दिन बहुत अच्छा निकला, इस टाइम फॉर ब्लैक कॉफ़ी, और अभी ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। जब मुझे मीठे की क्रेविंग हुई मैंने नेचुरल शुगर लिया, तो डाइट हमारी लाइफ में काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है, तो हमें अपनी अगर डाइट का हम ध्यान रखते हैं, एक्चुअली जितनी भी आर्टिफिशियल शुगर होती है, वाइट जो है वाइट शुगर है या वाइट सोल्ट है, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, जितना कम हो उसके कंज्यूम करें। जैसे चीनी है, चीनी तो मैंने अपने घर से ही गायब कर रखी है, मैं अपने घर में खांडी रखती हूँ ऑलमोस्ट। और नेचुरल शुगर में आप जैसे अगर क्रेविंग होती है तो आप किशमिश ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो। फ्रूट्स हमेशा सीजनल ही खाने चाहिए, ऐसा नहीं है जो ऑफ सीजन फ्रूट्स होते हैं वो महंगे होते हैं तो अच्छे होते हैं, नहीं, वो बिल्कुल भी हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। इसलिए कोशिश करें कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं वही खाएं। और अब मैं एक ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, और मेरा आज का डिटॉक्स अच्छा रहा, तो फिर मैं आगे 14 डेज़ का शुरू करूँगी। कमेंट्स करके मुझे बताना कि आप लोग कौन कौन मेरे साथ करना चाहोगे, उसमें हम स्मूदीज़ वगैरह और बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैंने आज सैटरडे का दिन इसीलिए चूज़ किया था डिटॉक्स के लिए, ताकि आप लोग संडे को कर पाओ, फटाफट से मैं अपनी वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और मैंने डिटॉक्स वाटर के साथ साथ पानी भी मैंने बहुत कंज्यूम किया था, आज मैंने 3-4 लीटर पानी कंज्यूम किया, जिससे देखो मेरी स्किन जल्दी से ग्लोइंग होने वाली है अभी और ज़्यादा। तो ठीक है, आप लोग भी करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। विद मी अमिता मलिक, थैंक यू।